निकाय चुनाव 2017 में कप्तान केपी सिंह ने चलाया चाबुक और अधिसूचना जारी होते ही उन्होंने धरपकड़ चालू करी और सभी थाना अध्यक्षों के पेज टाइट करे, जिसमें आपको बता दें कप्तान केपी सिंह ने जो अभियान चलाया है उस अभियान के तहत भारी भरकम सफलता प्राप्त करी उन्होंने। कप्तान केपी सिंह का कहना था शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए हर संभव प्रयास करे जाएंगे जिसमें शांति भंग का अंदेशा हो। इसके लिहाज से आपको बता दें कि 3,423 लीटर शराब कच्ची बरामद करी है। जी हाँ, 3,423 लीटर कच्ची शराब बरामद करी है और 200 जिसमें 28 भट्टियां या देख रहे हैं शराब निकाली जा रही है। शराब निकालने की 28 भट्टियां जब्त करी है कप्तान केबी सिंह ने, जिससे शराब निकाली जाती थी। ये देखिए भट्टियां दहक रही हैं, इस तरीके से 28 भट्टियां भी उन्होंने बरामद करी हैं शराब की। और आपको बता दें इसके साथ साथ 223 लोगों को जेल भेजा गया शराब बनाने में। आपको बता दें कच्ची शराब के मामले में 223 लोग जेल भेजे गए। कप्तान केपी सिंह का बेहतरीन फैसला और 13 को जिला बदर करा गया, जिला बदर करा गया 13 को, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा ना पड़े। आपको बता दें बेहतरीन कार्यशैली और 2,431 लोगों को 116 में पाबंद किया गया। एक दफा फिर सुनते हैं कि 2,431 लोग 116 में पाबंद किए गए। कप्तान केबी सिंह की बेहतरीन कार्यशैली शांतिपूर्ण निकाय चुनाव 2017 कराने में कामयाब होते नजर आ रहे। पीड़ित ने वीडियो वायरल करके बरेली के नर्सिंग होम की खोली पोल, सिद्ध विनायक की खोली पोल, बरेली के सिद्ध विनायक का कारनामा पीड़ित ने वीडियो वायरल करा और वीडियो वायरल करने के बाद में सारी अपनी दास्तान बताई, जो जो बीती उसने बताई। बरेली के सिद्ध विनायक नर्सिंग होम का कारनामा सुनते पीड़ित की जुबान। हॉस्पिटल श्री सिद्ध विनायक हॉस्पिटल के डॉक्टर ब्रजेश ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने मेरे पैर के 3-3 ऑपरेशन किए। मैं गरीब होने के साथ साथ अब तबाह और बर्बाद भी हो गई। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ की लड़ाई में आप लोग मेरा साथ दें। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं वो और लोगों को भी सेंड करें, मेरे साथ इस इंसाफ की लड़ाई में मेरे साथ खड़े रहें। बरेली के अस्पताल ने जो मुझे तंज दिया है वो तो कभी मेरी जिंदगी को बर्बाद कर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब।